हिमाचल प्रदेश की जनता को मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो किसके ऊपर खर्चा किया जा रहा है। स्कूल के इस तरीके से हाल है, एक 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 क्लासरूम में पांच पांच क्लासेस चल रही है, वेंटिलेटर पे सारा सिस्टम इन्होंने कर दिया, इतना बड़ा खतरा है यहाँ पे। ऊपर से अभी अभी बताया कि 10 मिनट पहले यहाँ पर एक पत्थर गिरा ऊपर से, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, कहाँ इनके पास प्लेग्राउंड है, कहाँ इनके पास स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे बच्चे। अभी आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्कूल के अंदर का भी एक दृश्य देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद बात करेंगे आगे। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि 3 ही दिन हुए ऊपर और रेलिंग का काम यहाँ पे शुरू हो गया है। जी तो ये जो रेलिंग का काम 3 साल पहले होना चाहिए था, देखिए इतना खतरे वाली बात है, यहाँ पे इतना खतरा है ऊपर से, 3 दिन पहले से ये रेलिंग बन रही है और ये स्कूल डिसमेंटल होना था 4 साल पहले 2018 में। पैसा मिल गया विभाग को, डिपार्टमेंट को पैसा डाल दिया गया, पर उसके बावजूद भी जो काम 3 दिन में मात्र होना चाहिए था उस काम के लिए 3 साल लग गए। इनको लेना देना नहीं है हमारे बच्चों से, इनको तो अपने बच्चों को प्लांट करवाना है राजनीति के अंदर, अपने बच्चे को मंत्री कैसे बनाना है, अपने बच्चों की एजुकेशन विदेशों में ये लोग करवाते हैं और हमें ज्ञान देते हैं हमने स्कूल अच्छे कर दिए। अपना मंत्री जी इलाज विदेशों में करवाते हैं और हमें कहते हैं कि हमने अस्पताल अच्छे कर दिए हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हिमाचल प्रदेश की जनता अब जाग चुकी है। अभिभावकों से मेरा आपके माध्यम से एक संदेश रहेगा कि आप भी जाएं, आप भी देखें अपने आसपास के स्कूलों में कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 महीने पहले एक हिमाचल प्रदेश के अंदर एक कैंपेन चलाया था जिसका नाम था सेल्फी विद स्कूल। उसके माध्यम से सैकड़ों स्कूलों में ऐसा हमें पता लगा कि जहां पर दीवारें टूटी पड़ी है, छतें टूटी पड़ी है और जो बच्चों के लिए पीने का पानी है उसमें कीड़े तक पड़े पड़े, बिल्कुल फिल्टर वगैरह भी नहीं लगने, फिल्टर नहीं लगे, बहुत दूर की बात है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये सरकार सोई पड़ी है, ये बहुत पुराना मुद्दा है, मुझे पता है इसके बारे में, सारी चीजें चल रही थी इसके बारे में लेकर, हम लोग बार बार इस चीज को संपर्क में लेके थे कि भाई ऐसी स्थिति है यहाँ पर, आज नहीं तो कल जो आश्वासन यहाँ के प्रशासन और शासन के लोगों के द्वारा दिए जा रहे थे तो शायद जब वो उनके संज्ञान में है तो हो जाना चाहिए था काम। अब क्या मतलब बनता है इस बात का कि जब अभिभावक यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं बैठे हैं कि हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल तैयार किए जाए, तभी आपको याद आता है, तभी आप काम करोगे, आपकी ड्यूटी नहीं बनती है। अगर शिक्षा मंत्री जो हमारे गोविंद सिंह ठाकुर जी है, जीरो वर्क मिनिस्टर जिनको मैं बोलता हूँ, क्या उन्होंने किया अभी तक, किस चीज के लिए मिनिस्टर बने, सिर्फ ढोंस जमाने के लिए, हमारे को दिखाने के लिए, हिमाचल प्रदेश की जनता को डराने के लिए कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, मैं सीएम हूँ देश का या सॉरी प्रदेश का। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो चीजें बनाई जाती है, जनता ने आपको चुना था किस चीज के लिए, खाली ढोंस जमाने के लिए। आपको चुना था कि आप स्कूल देखे, आप अपने हॉस्पिटल देखे, आप अपनी सड़कें देखे, पर मंत्री जी के लिए तो क्या, जब रोड की बात आती है तो फॉर्च्यूनर महंगे वाली गाड़ी आ जाती है जिसमें झटके नहीं लगते, जब शिक्षा की बात आती है तो एजुकेशन मिनिस्टर के जब अपने बच्चे प्राइवेट में या फिर विदेशों में पढ़ रहे हैं तो उनको क्या लेने देना हिमाचल प्रदेश की जनता के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, इस बार हिमाचल प्रदेश की जनता को जागना पड़ेगा। 30 साल से जो हिमाचल प्रदेश की जनता एक मजबूत विकल्प को ढूंढ रही थी वो आम आदमी पार्टी के रूप में हिमाचल प्रदेश में आ चुका है। ये पहला मौका है जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव के अंदर शिक्षा चुनावी मुद्दा बनेगा। ये पहला मौका है जब अस्पताल स्वास्थ्य जो है हिमाचल प्रदेश में पहला मुद्दा बनेगा, चुनावी मुद्दा बनेगा। तो हिमाचल प्रदेश की जनता को इसके बारे में सोचना होगा कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले। एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए, फिर देखिए आपके स्कूल की कैसे कायाकल्प होती है, जैसे दिल्ली में हुई, जैसे पंजाब में हो रही है। मैं ये कहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भी यथासंभव ऐसा ही होगा। आम आदमी पार्टी एक ईमानदारों की पार्टी है, इसने जो बोलती है वो करती है। जी हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।